आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देना मत भूलिएगा, जो कि एनटीआर सीरवी लाइव है, ताकि आप और वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा नहीं लगता क्या है? और कोई भटे में नहीं जावे, ने मंदिर जावे, ने हाथ जोड़े, प्रणाम भी नहीं करे। पहला भटे राजे को सजनो कीता ही मोटा बेजावता नहीं, लेकिन पिताजी ने मुंडा आगे करते, पिताजी ने बराबर मोचा मत नहीं बेवता, ने कुर्सी मत बेवता। हमें चार पांच सालों नहीं, मैं टोल मा टोल देंगे दादू, वो तो कही दादू क्यों संस्कार की कमी। बहन बेटियों देख लो, मोटा मोटा फोन रखे। मैं आपने कहनी चाहूं कि आपने बेटा बेटी ने फोन दो, बढ़िया बात है, लेकिन सामरा 9 बजे ने बाद में बेटा बेटी ने फोन ले लिया, पर ड्रम रख दो। आपरा बच्चा बच्ची कोई गलत काम नहीं करे, गलत गलत कदम उठावे। जे सजनो आप बच्चा बच्ची ने सही संस्कार देना वे, तो 12 साल रो बच्चो या बच्ची भेजा बिन हाथ मित्र तो रहे हो, आपरे लड़की या लड़की भी आप रस्तो नहीं भटके। वो मैं आपने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हस्ताक्षर आते क्यों, लेकिन नहीं मोटा मोटा फोन इंटरनेट जियो बाद बात ही पड़ो, मोटा मोटा फोन दे दिया। और जो को औरत हावरा री बात पीर में करे, पीर री बात हावरा में करे, वो घर कभी पूछो नहीं आवे। आजकल लुगाई लावा बोंदरी लावा घर घर भी घर आए ने तो हम आरती मेरा करते हैं। भाई साहब हर इंसान में बुद्धि दो प्रकार की है, सुमति और कुमति। मैं आपको निवेदन तो करना चाहूं कि अगर बेटी ने संस्कार बढ़िया दोला तो बेटा रे मुंह लाख गुणा बढ़िया आवेला। जे बेटी ने संस्कार गलत दीदा तो हपना मत हो जाओ बढ़िया बेटा रे मुंह आवेला। इतो इसके अनो बेटी ने बेटी उबी जा दो आड़ी आई जे पाओ घर कदे नहीं भागे। अने हावरा में तू कह सु के बेटा थूट देख जे थारो पाई उठ देख लीजिए, ज्यादा ही भीगो पड़ जा तो मो थारो वट आ जाओ। निवेदन करूं कि आप लोग ज्यादा समय नहीं लू, मगरे भी समय कमी है, तू भजन सुनने आयो ना पसगलाई, लेकिन एक छोटो समय दिस्टो दे दू के दो के एक बार कह लियो। एक बेटी ही माता पिता बड़ी खुशी उठाट उबाट उपनाई लाखों करोड़ रुपये खर्चो करियो, और बेटी ने पीड़ा हाथ कर हावरे बेली हावरे की हावरे की ने मिले। अब देखो कि घर छोड़ने बेटी पराए करे जात में अटकाउन तो आई वटे की ने बिनी हावरी परेशानी, क्योंकि घरे है पयोड़ा फटा टाबरिया बेटा 9 बजे उठे, मारवाड़ा पर धाकड़े उठे 3 बजे और 4 बजे उठे, क्योंकि हाडी 4-5 बजे तो गाय दूनी पड़े। पा परेशान हुए कि बिना 6 महीना ने घरे जान गया, पापा मने हावरे नहीं जानो। क्या बेटा कोई भी हो, क्या पापा मारे तो हौजी मने हैम दिन हेटीज नहीं मंगते, दिन भर परेशान कर कर मने कई कर दी। कि अच्छा बेटा छोड़ बेटा कोई को नहीं, बूढ़ा है 2-3 दिन ना मैं मोने मर जाए बेटा आग बढ़ दे। क्या नहीं पापा राजी रो ने बेरा जी रो, एक बार बेलो जौरी ला, दूसरी बार हाउ तकलीफ जी मैं नहीं जौला। बिने हम जाए हम जो ने बेटी ने हावरे भेजी, हावरे की ने फिर 6 महीना काट लिया, बापा जी घरे आएगी क्यों उड़ती मोड़ी परेशान रहेगी। पिताजी ने क्यों पिताजी देखो मम्मी मैं तो साफ साफ क्यों मेरे घर में नहीं जानो है मारे, बस या तो मैं फांसी खाए मारू, जहर खाए ने मारू, या रेल रे हेटे आए ने मारू, लेकिन मारे मेरे घरे नहीं जानो। पिताजी वे कौन कर बेटा थारी हाउ कहीं बीमार है, क्या बीमार को नहीं बातों कौड़ घड़ी है, मैंने तो दिन रो दिन भर रोते हम आरती 5 बजे के उठ कले वो बना कड़ी के दो पर बना कड़ी के भेड़ू बना शब्दों में समझ में नहीं आवे। ये काम करो पिताजी मने कोई एडो की कर दो, मैं क्या मेरे घर जाऊं को नहीं। पिताजी क्यों बेटा ये काम कर थने ये काम करांगा बा थोन बात हाला कड़ी बाप जी रे या कड़ी सबको ने हालो बटू स्लो पॉइजन ले ना हो दवाई ले ना हो तारे हव होड़े होड़े मर जाए। पिताजी बड़ा होशियार रहा लेने गया थान थपान कोई भैरू जीरो थोन थो बटू किया बाप जी हमारी बच्ची ने हवरे नहीं ने भूरे भड़े को नहीं, क्यों चिंता मत करो एक मिनर मैं इन्हीं हव गोविंदा खजाई। बाप जी बराबर 30 पुड़ियों बबोतरी भड़ाई ने दे दी। पड़े मैंने बेटे ने बोले कि देख बेटा थारी हव ने हवार दी
ऊटिया ने पहली हिनोड़ा पड़ा कर दे देखो ऊटनो और पहली चाय थूप आवनी और अच्छा में होड़क दवाई नाग दे जे बराबर गुणतीस बुढ़िया वेला और तीसवे दिन फटा को बोल जाला। अबे गायर यो पड़ता दी ना सी पिछे साड़ी डोकरी ही अबे पंद्रह बुढ़िया रोज बेटी पाई अने पापा करे फोन बेटा की कर क्या पापा अबे हम जी होड़े होड़े मोदा पड़न ढूका क्यों बेटा चिंता मत कर हाल तो थारे चौदह बुढ़िया भेज जावे पकड़ बोल जाए यू कर। बड़े गौर से सुने सजनों ज्ञान की बात है तो क्यों बेटा ये काम कर कोई करे के पापा टेंशन को नहीं है हैं ऊट यार पहली मैं तो ठा नहीं पड़न तू पांच बजे ऊट ने चाह बढ़ा हाउ जी लिखू लो हाउ जी चाह पी लो के बेटा पहला के पहला तो मार हाउ जी की होती के ऊटे नहीं है सोच की ले ठीक रो बने चाह पी ले के हमें तो मैंने बेटा बेटा करे के क्यों बेटा के पापा बात दवाई असर करे के ठीक है बेटा अबे डोगरी ना पड़ता दिन आया तिजोरी की चाबी ले डोगरी ने बेटा रिपोर्ट लीजिए बेटा अबे मारा फटता दिन आएगा है थोड़ा दिन में जीव बेटा ये ले चाबियो आ धनमाया थोरी ये कमरा ये मंगला ये होना चांदी गहना फेना ये घाटी घोड़ा बेटा थारा अबे आज थारो घर थू थारे जोड़ जे ए थार मन वेजू कर जे एने मारी फटता दिन आएगा अबे दो चार तिगरा मेहमान क्या बेटी बेटा रिपो ने करंट आयो क्यों ने मारे पापा काम गलत कर दियो मारी हम ने चेर दिलाई दियो छोरी नाटी नाटी की घरे क्या पापा थाने शर्म नहीं आवे कि कोई यो बेटा क्या पापा थे दवाई दीवा चेर वाली मारे हम जी असर कर दियो पर मैं एडी नहीं जाड़ी मारे हम ने मारी हम तो चाबियो और घर बार है भूख दिया पापा अबे मारे भगवान कर फाचा हलो बाप जी कने एडी दवाई लावर हम मरनी नहीं जिंदगी भर जीवनी केरे बेटा वियो कोई क्या बाप जी फाचा हलो जीव मंदिर में फाचा किया बाप जी कियो बेटा के बोलो बाप जी के बेटा थाने में जहर नहीं दियो पूरी खोल आप भेरुजी भगवती हती भगवती कोई मरिया पर बेटा थारे जो अंदर अहंकार हो जो एम हो जो थारे अंदर दुर्भाव हो मीने मारने वास्ते आप भगवती रूपी एक दवाई पूरी बनाई दी बेटा बिन बात में कियो के भगवान मैंने क्षमा कर जो मैं आज ने बाद में कोई घर भंगुर कोई बात आज मैं हमारे घर हो रही हूँ मेरा कहने का भाव इतना ही है सजनों कि अगर बेटी कोई हावरा में गलती करना आ जा बिना पक्ष मत खेचो पक्ष मत खेचो घर नहीं भागेला कुछ न कुछ भी नहीं समझाई हम जाए माता ऊपर पानी फिर तो बात अलग है वो तो एक दिष्टान नहीं है हकीकत बात है सजनों क्योंकि घर भांगना हो रहा है थाने ध्यान है ब्याह क्या मोड़ दे घर क्या उदेड़ दे तोड़ी तेरा पोना मांगे हाल ठान नहीं है लड़का कहते मन पसंद को नहीं आप हकबर रे पहली टेलीफोन माते क्यों नंबर देर बात करा वो आता हकबर तो यूं भरमाद रे वे बटेरा अगर गनाइत गनाइत मिलने हकबर कर देता ना पांच रुपया दे देता हमें बेटा दे पयोड़ा वेगा जो का मोटा मोटा चौंदीरा नारेड़ा ने इकाउन हजार ने ग्यारह हजार ने अंगोटियों ने ये सब दो मैं समा चाहूँ मैं कोई पयोड़ा एलर्जी नहीं करूँ लेकिन आप बटेरा हाजिर जीव हालो तो बोलो भाई इन्हें हाथे मारे शब्दों ने विराम देवनार पहली में शब्द क्यों चाहूँ कि माता पिता की सेवा कर लो आई माता की सेवा है और बहुत बहुत साधुवाद है सोनपुरा परिवार ने भाई प्रभुलाल जी ने आज अपने बुलाया और मैं तो छोटो मोटो गयों कोई पगो में रेवड़ी हूँ आप सब ने छोटो मोटो न्यूतो दे एक फरवरी ने आने वाला एक फरवरी शनिवार ने माँ आई माता की आशीर् कृपाओं इन दक्षिणी भारत बेंगलुरु में 5 एकड़ जमीन 12.5 बीघा जमीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी गौशाला में भेंट करी बिल्कुल अपनी कोतमूर गौशाला 7 किलोमीटर आगे कन्नूर पहाड़ है आप सब निवेदन करूं 1 तारीख ने सुबह 9:30 बजे जागरण चालू रही दिन रात 12:30 बजे पूजा रही 1 बजे खाणो रही दिन भर जागरण चाली और आपको निवेदन करूं कि आप पधारो आज मारो जन्म स्थान गांव कुशालपुर आ बेंगलोर में आज सरकार जमीन देवे अपने लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है सब आई माता की आशीर् कृपा गौ माता की सेवा आज आ जमीन मिली है आप लोग पधारो मैं आपको धनमाया नहीं मानू नहीं मांगू एक चीज मांगू कि आप अपने समय का दान करिए समय निकाल के गौशाला आइए और अपनी सेवा दीजिए मेरे लिए बहुत वही बहुत बड़ी बात है बोलो गौ माता की इन्हीं भैंसों ने मारे शब्द बुरा लगा में तो
तो मने आपरो बेटो हमज मने क्षमा कर देजो अने जो त्यो ठोकड़ी वे तो बारे मती ठोक दो अटी ठोक देजो क्यों शब्द कड़वा है मैन बेटो ने कड़वा लगे मारे फर्क नहीं पड़े। धन्यवाद बोलो श्री आई माते की जय हो। बहुत-बहुत साधुवाद बहुत-बहुत धन्यवाद भाई प्रभुलाल जी ने।